अगर आप जॉबलेस हैं तो यूट्यूब ट्राई कर लीजिए, ट्राई करने में क्या हर्ज है। पढ़ाई का सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन आपने पढ़ाई करा, बहुत सारे इंटरव्यू दिया और कुछ भी नहीं हुआ, अभी घर में बैठे हैं, तो ब्लॉग ही बना लो, क्या पता आपका किस्मत अच्छा हो तो आपका कुछ वीडियो वायरल हो जाए, आप अच्छा करने लगे और कुछ पैसा भी आने लगे। और अगर कमाई ना भी हुआ तो दैट्स ओके, कम से कम वीडियो बनाते बनाते एक डायरेक्शन मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, वीडियो बनाना भी बहुत ही मुश्किल काम है, आपको रिसर्च करना पड़ता है, नया नया टॉपिक्स के बारे में ढूंढना पड़ता है, इस तरह आपकी जो दिमाग है वो खाली नहीं होता, कुछ ना कुछ आप करते रहते हो। बहुत सारे लोगों को अकेलापन, लोनलीनेस, खालीपन खराब लगता है, उनको लगता है कि ये खराब होता है। और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए काफ़ी सारे लोग गलत राह में चल पड़ता है। मैं तो मानती हूँ कि अकेलापन, खालीपन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है खुद को एनालाइज करने के लिए कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ ख़राब है, मैं क्या चीज़ में ख़राब कर रही हूँ, क्या चीज़ में अच्छा कर रही हूँ, और इस दुनिया से जाने से पहले मुझे कौन सा इम्पोर्टेंट टास्क पूरा करना चाहिए। आप ये सब चीज़ें एनालाइज कर सकते हो अकेलेपन में। और रही बात आलसपन की, लेजीनेस की, दैट इज़ ऑल्सो गुड समटाइम्स। आप अगर रिलैक्स नहीं करोगे, थोड़ा कुछ आलस नहीं होगे, तो नेक्स्ट टास्क के लिए आप एनर्जी कहाँ से लाओगे। अगर आप अपना लेजीनेस, अपना आलसपन कुछ इस तरह काट रहे हो, एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, दो साल, ओनली गेमिंग, और अपना अकेलापन, अपना लोनलीनेस आप कुछ इस तरह काट रहे हो, तो दोस्तों एक बार सोच लो, ज़िंदगी काफ़ी हसीन है और टाइम बहुत कम है। एक बार सोच लो, बाकी तो आपका मर्जी है। माना कि YouTube बनाने से, वीडियो बनाने से कोई गारंटी नहीं कि वीडियो अच्छा होगा कि नहीं होगा। गारंटी तो किसी भी चीज़ में नहीं है, एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। वीडियो बनाना भी एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, आपको नया नया टॉपिक ढूंढना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, इस तरह एक इंटरेस्ट होता है लाइफ में, एक डायरेक्शन मिल जाता है कुछ ना कुछ बिजी रहने का। होता है ना वो खाली दिमाग जो शैतान का होता है, अकेले अकेले सोच सोच के उल्टा सीधा सोचता रहता है, आपको डर लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, हंसेंगे, जज करेंगे। लोगों का काम ही ऐसा है, किसी का आप मुंह बंद नहीं कर सकते। लोगों ने तो जीसस क्राइस्ट को भी शूली में चढ़वा दिया था, सीता मैया को भी उन्होंने अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। लोगों का काम ही ऐसा है। आपके पास वीडियो शूट करने के लिए महंगे गियर नहीं है, कैमरा नहीं है, क्या हुआ, आप अपने सेलफोन को ही यूज़ कर सकते हो। बस विल पावर होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एक इच्छा होना चाहिए, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। ट्राई करने में क्या हट जाता है। शूट करने के लिए काफ़ी सारे टॉपिक्स है, काफ़ी सारे वैरायटी है, पहाड़ है, नदियां है, कुछ भी अच्छी चीज़ों में कुछ भी वीडियो बना सकते हो, वीडियो के लिए प्लानिंग कर सकते हो। मुझे तो लगता है कि यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ट्राई करने में क्या हट जाता है। अगर वीडियो नहीं चला तो एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस तो होगा ना, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और आपको नया नया आइडियाज़ आएंगे कुछ ना कुछ। बहुत पहले हमारे समय में ऑर्कुट आया था, ऑर्कुट आके चला गया, टिकटॉक आया, टिकटॉक आके चला गया। मैं नहीं चाहती कि यूट्यूब कभी जाए, बिकॉज़ ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है क्रिएटर्स को, आप अपने वीडियो क्रिएट कर सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं कभी नहीं चाहती कि ये जाए, लेकिन यू नेवर नो, जब तक है तो इसका फुल यूज़ करो, ट्राई करो ब्लॉगिंग, क्या पता ये आपका लाइफ बदल दे। अगर लाइफ ना भी बदले तो क्या पता कुछ आप में एक कॉन्फिडेंस, एक डायरेक्शन दे दे लाइफ में। सो बस आज का यही था शॉर्ट वीडियो, मन करा कि कुछ बनाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, लव एंड पीस।